मनाज़र हैं वजीर आज़म। इस वक्त आप ये मनाजर टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है जिसके बाद वजीर आजम हाउस में अहम मुलाकातें हो रही हैं वजीर अजम शहबाज़ शरीफ स्टाफ से मुसाफा कर रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं नौमनतब वजीर अजम शहबाज शरीफ आज से अपनी ज़िम्मेदारियों का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं गुज्त शब उन्होंने हल्फ उठाया काय मकाम सदर सदक संजरानी ने उनसे हल्फ़ लिया जिसके बाद आज पहला दिन है जब वज़ी अजम शहबाज शरीफ वज़ी अजम हाउस पहुँच गए हैं पहली मरतबा शहबाज शरीफ और उनके अहल ख़ाना वजी अजम हाउस में मुक़ीम होंगे शहबाज़ शरीफ़ के अहल ख़ाना उम्र की अदायगी के बाद पाकिस्तान पहुँचेंगे आज सुबह से ही तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई थी और अब वजीर अजम शहबाज़ शरीफ़ पहुँच चुके हैं वज़ी अजम हाउस और इस वक्त अहम मुलाकातें हो रही हैं स्टाफ से मुसाफ़ा किया जा रहा है मुलाकातें की जा रही हैं इस वक्त ये मरकज़ी तकरीब वज़ी अजम हाउस में जारी है जब वजीर अज़म शहबाज शरीफ मुंतकिल तो हुए हैं वजीर अजम हाउस और उन्हें गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया है इस वक्त ये मनाजर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मनाज़र जब वजीर अजम शहबाज शरीफ जो है वो रिवायती अंदाज़ में पहुंचे हैं वजीर अज़म हाउस और उन्हें गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया है और इस वक्त वज़र अजम हाउस तो के स्टाफ से मुलाकातें हो रही हैं और उनसे मुसाफा किया जा रहा है ये मनाजर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बराह रास्त वज़ी अजम शहबाज शरीफ नौ मनत वज़ी वज़र अजम हाउस पहुँच चुके हैं पहली मरतबा शहबाज शरीफ वजीर अजम के अहदे पर बराजमान हैं और आज से बाकायदा उन्होंने बतौर वजीर अजम अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं वजीर अजम हाउस वह पहुँच चुके हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है उन्हें रिसीव किया गया है एक रिवायती अंदाज़ में एक तकरीब का इनका किया गया नौ मंतखब व वज़़र अजम शहबाज शरीफ़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ आज संभाल रहे हैं गुज्तर रात ही उन्होंने हल्फ उठाया कायम मकाम सदर सदक संजरानी जिन्होंने उनसे हल्फ लिया आज पहला दिन है जब वज़ी अजम शहबाज शरीफ वज़ी अजम हाउस पहुँचे हैं बिल्कुल ये मनाजर आप देख रहे हैं वज़र अजम हाउस के ये मनाजर है वज़र अजम शहबाज़ शरीफ़ उनको गार्ड ऑफ ऑनर अब से कुछ देर पहले पेश किया गया है और इसके बाद वज़र अजम हाउस के अमले से वो मिले मुसाफ़ा किया और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वजर अजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की ये तकरीब है गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया है वजे अजम शहबाज शरीफ को मियाँ शहबाज शरीफ वजे अजम पाकिस्तान मुंतखब हुए गुज्तर रात उन्होंने अहदे का हलफ भी उठाया कायम मकाम सदर सादक संजरानी ने उनका हलफ लिया जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत भी उस तकरीब में शरीक हुई और आज सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं वजे अजम हाउस वज़र अजम शहबाज शरीफ बन चुके हैं और गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया है शहबाज़ शरीफ ने वजे अजम हाउस के अमले से मुसाफ़ा भी किया इस वक्त ये मनाजर आप टी वी पर देख सकते हैं शहबाज शरीफ बतौर वज़र अजम अपनी जिम्मेदारियों का बायदा आगाज़ कर चुके हैं रिवायतें बदल चुकी हैं वज़ी अजम शहबाज शरीफ सुबह सवेरे वजी अजम हाउस पहुँचे हैंमूम ये तकरीब सुबह सवेरे मुनदद नहीं की जाती लेकिन इस दफ़ा रिवायत तब्दील हुई है और सुबह सवेरे शहबाज शरीफ पहुँच चुके हैं वज़़र अजम हाउस पाक फ़ौज के चाको दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की है गार्ड ऑफ ऑनर का मुयना किया शहबाज शरीफ ने और इस वक्त वो मौजूद हैं वज़़र अजम हाउस में इससे कबल आपको बताएं कि वज़ी अज़म मंतखब होते ही शहबाज शरीफ़ की जानब से कुछ अहम ऐलाना भी सामने आए जिसमें उन्होंने आ, पेंशन में 10 फ़ीसद इजाफ़े का एलान किया और इसके अलावा कम से कम उजरत पच्चीस हज़ार करने का ऐलान भी किया उन्होंने साथ ही साथ शहबाज़ शरीफ की जानब से ये भी ऐलान किया गया कि बहुत जल्द महँगाई में कमी लाई जाएगी और आवाम के दुखों का मुदावा किया जाएगा आवाम जो कि परेशान हैं महंगाई से और बेरोज़गारी से ये तमाम तर परेशानियाँ इनका खात्मा करेंगे शहबाज़ शरीफ़ की जानब से ये दावा किया गया है और साथ ही उन्होंने पेंशन में दस फीसद इजाफे का एलान किया कम से कम मजदूर की उजरत पच्चीस हज़ार रुपये करने का एलान भी किया गया साथ ही साथ तरक्याती चैलेंज़ पर तोज् देने और आवाम की फ़लाह बहबूद के मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का इरादा भी उन्होंने जाहिर किया